सबसे बढ़िया जगह है सर दिल्ली की, सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट अगर देखेंगे तो यही है। मैं सर 7 से 8 जगहों पर घूम के आया हूँ, मैंने हर जगहों पर देखा है, कहीं भी इतने स्टूडेंट्स नहीं है और विक्रम सर जैसे तो कोई नहीं है। विक्रम सर जैसे कोई नहीं है, मतलब कि आपको विक्रम सर ने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया। बिल्कुल सर, 100%। नमस्कार, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से अपने लैपटॉप रिपेयरिंग के लैब में हूँ, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग का क्लास देते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ हैं विक्रम सर, जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग का क्लास देते हैं। और मैंने कई बार आपको वीडियोज़ में दिखाया भी है कि लैपटॉप रिपेयरिंग के क्लास में हम किस लेवल तक रिपेयरिंग सिखाते हैं या एडवांस लेवल पे। जैसे अगर मशीन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये बीजीए मशीन दिखेगा, चिप से रिलेटेड अगर फॉल्ट आता है तो इस बीजीए मशीन पे भी पूरा वर्क सिखाते हैं। और डीएसओ, जिसको सीआरओ मशीन भी आप कहते थे, डीएसओ पे भी पूरा सिग्नल से रिलेटेड टोटल काम सिखाएंगे, प्लस आपका डिजिटल मल्टीमीटर और डीसी मशीन, जिससे कंप्लीट शॉर्टिंग से रिलेटेड जो कोई भी फॉल्ट आता है उसमें हम पूरा वर्क सिखाते हैं। साथ साथ प्रोग्रामिंग की बात करें तो बायोस से रिलेटेड अगर फॉल्ट आता है तो उसके लिए बायोस प्रोग्रामर प्लस यहाँ पे इनिट आईओ प्रोग्रामर भी है। यहाँ पे आपको इस आईओ प्रोग्रामर पे भी पूरा वर्क सिखाया जाता है। और चिप लेवल रिपेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक, बेसिक मीन्स कि अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो कंपोनेंट्स से लेके इसमें आपको सोल्डिंग, डिसोल्डिंग, ट्रेसिंग प्लस फॉल्ट फाइंडिंग, ऑनबोर्ड सॉल्यूशन तक, यहाँ तक आपको रिपेयरिंग बताएंगे। साथ साथ कुछ हम फॉल्ट्स भी आपको कराते हैं क्लास में कि आप देखो किस तरीके से फॉल्ट्स आता है, जैसे कि लैपटॉप में नो डिस्प्ले का फॉल्ट आ गया, डेड का कंडीशन फॉल्ट आता है, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं। तो हमारा ये बैच आज ख़त्म हुआ है, जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का बैच है, आज ये ख़त्म हुआ है। और इन अपने स्टूडेंट से ही मैं पूछूंगा कि आप लोग क्लास में किस तरीके से रिपेयरिंग सीखा, क्या आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाई हैं, इस क्लास से सेटिस्फाई हैं, विक्रम सर से सेटिस्फाई हैं, किस लेवल तक आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, ये मैं अपने स्टूडेंट से ही पूछूंगा। बीच बीच में हम लोग क्लास की भी वीडियो दिखाते रहते हैं, जहाँ पे की क्लासेस चलती है, या नॉलेज का भी वीडियो बताते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी कोर्स करना है आपको, लैपटॉप का, मोबाइल का, प्रिंटर का, CCTV, AC, LED TV, तो आप दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जानकारी के साथ साथ यहाँ पे आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं, आप डेमो क्लास से सेटिस्फाई हुई है तभी जाके आपको एडमिशन लेना है। तो ये हमारे विक्रम सर है। सर अभी जो आप ये मतलब इस बीजीए मशीन पे क्या कर रहे हैं? सर एक्चुअली एक लैपटॉप था जो हमारे स्टूडेंट ही लाए थे, तो इसमें ग्राफिक का इशू है, तो वो सारे चीज़ें ग्राफिक को रिवॉल्व करके दोबारा से हमने लगाया है, अभी चेक करेंगे डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, ग्राफिक की जब आप बात किए तो एक ऐसे भी फॉल्ट्स आ रहे हैं जैसे कुछ लैपटॉप में ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बनाया जाता है, तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं? जी बिल्कुल सर, तो कई सारे ऐसे लैपटॉप भी आते हैं, जब क्या होता है कि पहले बार तो हमको कई सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे ग्राफिक ही चाहिए, तो उस कंडीशन में देखते हैं अगर वो सही होने वाला तो उसी को रिपेयर कर देते हैं, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है कि उनको समझाना पड़ता है कि नहीं ग्राफिक से नॉन ग्राफिक ही बनाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ग्राफिक से नॉन ग्राफिक बना के भी दे देते हैं। मैं अभी आपके स्टूडेंट से ही जानूंगा, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों से यही जानूंगा कि जो भी आपको क्लास कराया गया है प्रॉपर तरीके से कराया गया है। यस सर, जो जैसे फॉल्ट फाइंडिंग की बात करें या ऑनबोर्ड सॉल्यूशन की बात करें, वो ऑनबोर्ड सॉल्यूशन मेन होता है कि जब आप ट्रेसिंग कर लेते हो, कंपोनेंट्स के बारे में जान जाते हो, तो ऑनबोर्ड की क्लास चलती है जहाँ पे फॉल्ट्स के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे सारे फॉल्ट्स कवर हुए हैं। और ये भी मैं एक एक लोगों से पूछूंगा कि जब आप मल्टीटेक में आए हो और अब में कितना अंतर है, क्योंकि कुछ लोग इसमें एक्सपीरियंस वाले भी हैं जो पहले से काम करते थे, बेसिक लेवल का काम करते थे, एडवांस लेवल सीखने के लिए आए हैं। तो मैं अब एक एक लोगों से चल रहा हूँ, सबसे आपसे पूछूंगा कि क्या कहाँ कैसा आपका जर्नी रहा। सर आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। सीतामढ़ी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला?
सर मैं मतलब YouTube पे देखा था सर इसको, और मतलब इसके बाद गूगल पे सर्च करा, फिर इसके बाद आया पता करा, फिर इसके बाद लड़कों सबसे डिस्कस वगैरह भी किया था क्लास में आकर, सर ने बताया बात कर लो लड़कों सबसे भी, फिर लड़कों सबसे भी संतुष्ट हुआ इसके बाद। फिर मतलब आप जब यहाँ पे आए तो आपको पुराने लड़कों से भी मिलवाया गया कि आप बात कर लो, आप फुल सेटिस्फाई हो जाओ तभी आपको एडमिशन लेना है, तो आपको अब लग रहा है ना कि हम सही जगह पे आए। हाँ सर, पहले तो मेरे को कुछ नॉलेज भी नहीं था, एक तो कंपोनेंट के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं था, आज की डेट में बोर्ड रिपेयरिंग कर सकते हैं कोई भी हो कुछ भी, थोड़ा मतलब क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं, और जाने के बाद अगर बोर्ड रिपेयर नहीं भी हो पा रहा है आपसे तो सपोर्ट के लिए विक्रम सर है, शायद आप लोग लैपटॉप के ग्रुप में ऐड भी हो चुके होंगे। जी सर, सर ने बताया था कि अगर आप कहीं काम करते हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर नहीं समझ में आ रहा तो सर से आप पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, सर कमांड भी बता देंगे और तरीका भी बता देंगे कैसे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को आपने चुना। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं जुल्फिकर बोला हूँ, मुंबई से हूँ, मेरा ऑलरेडी कंप्यूटर का शॉप भी है, पर यहाँ पे क्या है कि कुछ मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या चिप लेवल में बहुत दिक्कत होती थी, तो यहाँ पे मैंने आके बहुत स्टेप बाय स्टेप, विक्रम सर ने हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप सिखाया, सारे सेक्शन जो है स्टार्टिंग से लेके कहाँ से फॉलो करना है वो सब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सिखाया, वोल्टिंग सेक्शन सिखाया, बैटरी सेक्शन सिखाया, स्टेप डाउन है, वी एस है, आईओ है, पी सी एच में वो सब बताएं, फिर डी सी डी एस ओ में कौन सा एम्पियर देख के क्या सिग्नल से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो सब उन्होंने बताया, फिर उन्होंने डीसी से डीसी मशीन से भी एम्पियर देख के वो पता लगा सकते हैं कि बोर्ड में आयो में प्रॉब्लम है कि वोल्टिंग का प्रॉब्लम है, कौन से सेक्शंस में प्रॉब्लम है वो इजीली फॉल्ट फाइंड करके बता सकते हैं। तो देखिए ये तो सर ने बताया ही और करके दिखाया, जब आप करेंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए सर ने बोला होगा कि आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा, प्लस आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस का आपके पास भी वीडियो रहेगा उसको भी आप देख के सपोर्ट ले सकते हैं। तो मुंबई से आप मुंबई में है या महाराष्ट्र से? कहां? मुंबई से, प्रॉपर मुंबई से। तो मुंबई महाराष्ट्र से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, इस बैच में और भी लोग हैं महाराष्ट्र से। तो आप महाराष्ट्र के लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे मल्टीटेक के लिए? मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आके डेमो क्लास लेके पहले आप चेक देख लीजिए कि आपको सेटिस्फेक्शन मतलब समझ में आ रहा है तभी आप लीजिए। मैं भी पहले डेमो क्लास लिया, उसके बाद आके मेरे को वो डेमो क्लास में बहुत अच्छा लगा, उनको मैंने दो बार तीन बार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं जितनी बार पूछ रहा था उतनी बार उन्होंने मेरे को समझाया, तो बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ जाती है। देखिए डेमो क्लास हमारे में, डेमो क्लास का मतलब हमारा रनिंग क्लास ही होता है, रनिंग क्लास में ही हम बैठा देते हैं जिसमें हमारे पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम इसलिए एक नए लोग को पुराने स्टूडेंट्स के साथ बैठा देते हैं कि आप इनसे पूछो कि क्या ये सेटिस्फाई है कि नहीं हमसे, अगर वो बोल दें कि नहीं सेटिस्फाई है तो आप हमारे पास एडमिशन ना लो, ये हम क्लियर बोलते हैं। तो आपने पूछा होगा सारी चीजें, फिर आपको सेटिस्फेक्शन होगा, फिर आप मल्टीटेक में ज्वाइन किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ से हैं? जी मैं नागपुर महाराष्ट्र से। आप भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र ऐसा हमारा हमारे लिए वो राज्य है जहाँ से महीने के कम से कम 10 से 12 लोग मिनिमम आते हैं सिर्फ लैपटॉप के लिए, और कोर्सेज में ही आते हैं। तो महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं? नागपुर से सर। नागपुर से? जी सर। तो नागपुर में तो और भी हमारे स्टूडेंट्स कई सारे करके काम, तो आप किसी रेफरेंस से आए हैं या? सर मैं यूट्यूब पे देखा था मैंने। अच्छा जी। तो यूट्यूब पे देखने के बाद जब यहाँ पे आए ऐसा तो नहीं लगा ना कि यूट्यूब पे कुछ और दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ सर, और ऐसा कुछ नहीं, जैसा वीडियोस पे जैसा देखा था सेम वैसे ही था यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग बहुत चीज दिखाते हैं, लेकिन आने के बाद एडमिशन लेने के बाद या क्लास कर लेने के बाद पता चलता कि वो चीज है नहीं जो दिखाई गई थी। तो हम वीडियो में बार बार बोलते हैं कि कभी भी आप आओ तो हमारे वीडियो को देख के नहीं लेना आपको एडमिशन, यहाँ पे दो चार दिन पहले समझो देखो, आपको लगे कि हाँ क्लास कर सकते हैं लड़कों से पूछो तभी आप एडमिशन लो। तो अभी आपका सेटिस्फेक्शन? हाँ सर, पूरा 100% सेटिस्फेक्शन है। जी सर बिल्कुल। हाँ सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कहाँ से है? हम मुंबई से। आप भी मुंबई से? बहुत सारे लोग मुंबई से ही है लग रहा है इसमें, आप लोग किसी और लोग भी हैं कोई मुंबई से? अच्छा अच्छा, तो आप और भी कोर्स कर रहे हैं या सिर्फ लैपटॉप ही है? डेस्कटॉप लैपटॉप कर रहे हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप। तो आप अगर लैपटॉप की बात करें, सेक्शन की बात करें, बहुत सारे सेक्शन कराए होंगे, तो रैम सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट आता है किस तरीके से आप सही करोगे? सर एक्चुअली अगर रैम से फॉल्ट आएगा सर तो डिस्प्ले नहीं आएगा। हाँ सर, तो उसका मतलब सर रैम सेक्शन पे सर उसका कॉइल चेक करेंगे सर, 1.5 वोल्ट अगर आ रहा है सर उसमें तो रैम सेक्शन ओके रहेगा, अगर 1.4 वोल्ट नहीं आ रहा सर तो स्टेप बाय स्टेप उसका
हर एक कंपोनेंट को बाहर चेक करेंगे। मतलब आपको क्लासेज में प्रॉपर तरीके से हर एक सेक्शन के बारे में बताया गया है या ऑन बोर्ड में हर एक फॉल्ट्स के बारे में बताया गया है ना, आपको लग रहा है ना कि आप जाके काम कर सकते हैं? देखिए काम कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ 100% अभी नहीं कर सकते, 100% तब कर सकते हैं जब 6 महीने आप भी मार्केट में काम करोगे तब 100, लेकिन हम उस 6 महीने के लिए सपोर्ट के लिए होते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, जब तक आपको सपोर्ट लेना सपोर्ट लीजिए, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछिए। तो आपको लग रहा है ना काम कर लेंगे? जी सर हम कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से भदोही जिला से हूँ। भदोही से हैं, तो भदोही तो मतलब यूपी में बनारस के पास में है। तो आप अपना काम पहले से करते हैं या फ्रेशर हैं? नहीं सर फ्रेशर थे, काम नहीं करते थे, हम शुरू से आए यूट्यूब में देखे थे, पहली बार फर्स्ट एंड लास्ट बार मेरा यहीं पे था सर। फर्स्ट और लास्ट आपका यहीं था, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ना कि गलत जगह पे थे या सही? सर बहुत अच्छा जगह था मेरा यह, और सब कुछ यहाँ अच्छे सिखाया जाता है, हमारे सर लैपटॉप के विक्रम सर हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, शुरू सर लेके कंपोनेंट से लेके सब कुछ पहले आते हैं पूछते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं, बोल्टिंग सेक्शन लेके, स्टेप डाउन सेक्शन लेके, रैम सेक्शन से, बीजीए सेक्शन से, बीआरएम सेक्शन, सब सेक्शन एकदम पूरा ओके कर दिए हैं। कंपोनेंट्स आपको किस सर ने बताया था? कंपोनेंट हमको सर विक्रम सर बताए थे। विक्रम सर बताए? जी सर। प्रॉपर तरीके से चला था ना सर? एकदम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेन कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट जब आप पूरा जानेंगे तो फिर ट्रेसिंग आप कर पाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। सीतामढ़ी, दो लोग सीतामढ़ी के हैं, आप लोग दोनों साथ में आए थे क्या? अच्छा, तो आप जो लैपटॉप रिपेयरिंग सीखे, क्या लग रहा है आप जाके सीतामढ़ी में अगर आप शॉप खोलते हैं या आप कहीं पे जॉब ही करते हैं तो कर पाएंगे रिपेयरिंग? ये सर कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। आपको सारे सेक्शन बताया गया है या जो जो मशीनें, जैसे मैंने बताया डीसी मशीन, डीएसओ मशीन, इन सब मशीनों पे पूरा काम सिखाया गया है? ये सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाया गया है। बायोस प्रोग्रामर पे भी काम कराया गया है आपको? सर वो हो जाएगी, मतलब अभी क्लासेज है आपका? क्लासेज है, एक दिन क्लास है जो आज खत्म हो जाएगी, वो भी हो जाएगी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, आपसे मैं फिर दूसरे वीडियो में मिल रहा हूँ, पहले भी हम मिल चुके हैं किसी वीडियो में, तो आप भी इसी बैच में हो लैपटॉप के लिए। तो आप तो बहुत जगह घूम के आए थे, दिल्ली में कई सारे इंस्टीट्यूट के पास भी गए थे, फिर मल्टीटेक को आपने चूज किया, तो क्या लग रहा है कि मतलब सही जगह आपने चूज किया है? बिल्कुल सर, सबसे बढ़िया जगह है सर दिल्ली की, सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट अगर देखेंगे तो यही है। मैं सर 7 से 8 जगहों पर घूम के आया हूँ, मैंने हर जगहों पर देखा है, कहीं भी इतने स्टूडेंट्स नहीं है और विक्रम सर जैसे तो कोई नहीं है। है विक्रम सर जैसे कोई नहीं है, मतलब कि आपको विक्रम सर ने प्रॉपर ट्रेनिंग दिया? बिल्कुल सर 100%। हर एक चीज, हर एक सेक्शन, या ऐसा तो नहीं कि क्लास में कुछ पूछ रहे हैं तो वो बता नहीं रहे हैं, आप टाल रहे हैं सर, ऐसा तो कभी नहीं होता है। ऐसा तो कभी नहीं, आपने पूछा बोला कि कल बताया जाएगा, परसों, तब तक आपके माइंड से स्किप हो गया, उनके माइंड से स्किप हो गया, बताया नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। मैंने, मेरा ही एक लैपटॉप था सर, मैं जब साथ में लाया था तो वो ऑलरेडी मेरे गाँव से 4 जगहों पर घूम के आया था, मैं तब चीफ लेवल का काम नहीं करता था, मैंने मेरे गाँव में वो 4 जगहों पर लेके उसको मैं घूमा, खुद घूमा था, क्योंकि मेरे एक अच्छे दोस्त का था, उसके वजह से मैंने वो खुद उसको हर जगह पर लेके घुमा, कहीं पर बना नहीं सर वो, हर किसी ने मेरे को एक ही बात बोला कि इसका सर बोर्ड चेंज करना पड़ता है। फिर मैंने वही सोचा यार, बोला ये अगर अपने गांव में अगर कोई नहीं बना रहा है तो चलो अपन खुद ही उसका ट्रेनिंग ले लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई लैपटॉप लेके चला जाता है कि इसको रिपेयर कर दो सर, कोई इंस्टीट्यूट का फैकल्टी रिपेयर नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार अगर मैं रिपेयर नहीं कर पाया ना तो एडमिशन नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि हाँ जी आपका हम रिपेयर करेंगे, हम रिपेयर करके, जैसे अभी आपने देखा इजराइल से हमारे पास लोग आए थे, तो उन्होंने पहले दे दिया कि भैया रिपेयर करके आप दिखाओ तभी हम एडमिशन लिए, तो हमने कहा कि ठीक है हम रिपेयर करके दिखाएंगे, एडमिशन इन लोगों तो उसका चार्ज लेंगे, हमने रिपेयर करके दिखाया तब उन्होंने एडमिशन लिया। मेरे सामने की बात है ना सर, आपके सामने की बात। तो मल्टीटेक ही, मैं जहां तक जानता हूं, हम ही ऐसा है जो कि कहते हैं कि आप लेके आओ लैपटॉप, हमसे रिपेयर करवाओ, अगर लगता है कि आप हमारे रिपेयरिंग से संतुष्ट हो तब एडमिशन आप लेना। तो अब आपको जाके काम ही करना होगा। बिल्कुल सर, मेरा तो ऑलरेडी मेरा दुकान है ही अभी। हाँ जी है। तो मैं अभी तो उसको शिफ्ट कर रहा हूँ सिर्फ, जो मेरा अभी तालुका प्लेस पे मेरा आर्नी में दुकान है, तो मैं वहाँ से अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल अमरावती शिफ्ट करने वाला हूँ, उसी लिए मैंने अभी तो वहाँ से बंद कर लिया है, अभी शुरू करने के लिए 2-3 महीने टाइम था, चलो एक कोर्स तो भी कर लेना। सर मैं महाराष्ट्र के लड़कों के लिए मैं एक स्पेशल एक मैसेज करना चाहता हूँ मराठी में, अगर मैं बोलना चाहूँ तो चलेगा? बघा मित्रांनो, जर का इथे आले तर टेंशन घ्यायचं नाही, मी आहो इथे,
माझा नंबर बिल्कुल इथे मल्टीकीटेक मध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. आप नंबर दे सकते हैं. हाँ नहीं अभी नहीं, वो यहाँ से ले लेंगे लड़के भी. तो माझं म्हणणं इतकंच आहे सगळ्यांना, जर का काही प्रॉब्लेम जर का वाटला तर मला फोन करा. मी बिलकुल सांगतो तुम्हाला, इथं बिलकुल ऍडमिशन झाली तर तुम्ही 100% बिलकुल लॅपटॉप रिपेअरिंग शिकाल. शिकाल म्हणजे शिकाल 100% मी गॅरंटी घेऊ शकतो. कारण की मी तर फक्त 12th पास झालेला मुलगा आहे, पण तरी सुद्धा मला आज सगळ्या काही गोष्टी, त्यातल्या टेक्निकल गोष्टी पण बिलकुल चीप लेवलपर्यंत सगळ्या काही गोष्टी आज समजून राहिल्या. ज्या गोष्टी आज बीटेकमधले पोरं पण नाही काही काही गोष्टी म्हणजे व्यवस्थित त्यांना लक्षात येत नाही, त्या गोष्टी आम्हालाही पण म्हणजे सगळ्या काही गोष्टी समजून राहिल्या. जरी 100% नाही, पण तरी आज मला जवळपास या इन्स्टिट्यूटमधून जवळपास 60-70% सगळ्या काही गोष्टी लक्षात आलेल्या आहेत. 100% तो सर मी बोल रहा हूँ की मैं भी नहीं सिखाऊ, लेकिन फिर भी मेरे को 60-70% तो आ रहा है. 100% तब आएगा जब आप काम प्रैक्टिस के बाद में 100% आना ही है. तो मैं सब लड़कों को यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आओ एक बार देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम लगा तो मेरे को फोन भी लगाओ, मैं बात करूंगा उनसे. बहुत बहुत धन्यवाद. नंबर मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो सब लोग हमसे पहले इन्हीं के पास फोन करेंगे. कहाँ से? सर मैं बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ. अच्छा, मेरा मधुबनी से है, वो सीतामढ़ी से. बिहार आपस में मतलब आसपास ही है मधुबनी सीतामढ़ी? हाँ सर, थोड़ा ही हटके है सर, आसपास में ही है सर. तो आप सिर्फ लैपटॉप रिपेयरिंग का ही कोर्स कर रहे हैं? नहीं सर, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों. लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों. हाँ सर. तो क्या लग रहा है कि किस लेवल तक रिपेयरिंग आपको सिखाई गई है? एडवांस लेवल जो हम कहते हैं बार बार, एडवांस लेवल में आपको पूरा हम रिपेयरिंग सिखाएंगे, हर एक मशीन पे काम सिखाएंगे, वो सारी मशीनों पे वर्क सिखाया गया? हाँ सर, पूरा सिखाया गया है, बेसिक से पूरा एडवांस तक सर. कंपोनेंट से मतलब कंपोनेंट को थोड़ा भी नॉलेज नहीं था मेरे को सर. तो मतलब शुरू में सर कंपोनेंट बताया गया, उसके बाद मैं डेस्कटॉप का क्लास लिया, उसके बाद लैपटॉप का लिया. तो सर लैपटॉप का क्लास में सर शुरू से मतलब सेक्शन बाय सेक्शन जितना होता है सेक्शन 28-29 सेक्शन बताया गया है, जिसमें सर स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है सब बताया गया है सर. चलिए, मेन है कि सब बताया गया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो दिक्कत भी आएगी. बार बार हम सबसे यही कह रहे हैं कि दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है ना तुरंत सीख के इंजीनियर बन जाए. आप देख रहे हो बीटेक एमटेक करके तो तुरंत कुछ कोई कर नहीं पा रहा. तो आप लोग तो 3 months का कोर्स कर रहे हो, तो 3 months में एकदम 100% तो इंजीनियर बन नहीं सकते. ये तो अगर कोई कह रहा है ना कि मैं 3 महीने में आपको एकदम सफल इंजीनियर बना दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है. हम वीडियो में हम अपने इंस्टीट्यूट से ही बोलते हैं कि 100% जब इंजीनियर बनोगे, जब आप सीख के काम स्टार्ट करोगे, 6 महीने काम करोगे, लेकिन उस 6 महीने में हम आपके साइड से रहेंगे, मीन्स की सपोर्ट के तौर पे मल्टीटेक हमेशा रहेगा कि कहीं पर भी दिक्कत आ रही है आप हमसे पूछो, सपोर्ट लो, फुल सेटिस्फाई हो जाओ. तब अगर कहीं दिक्कत भी आ रहा है तो फिर से आके क्लास लो, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता. आप सर कहाँ से हैं? सर मैं संजीव कुमार मोतिहारी से हूँ. आप मोतिहारी से हैं? तो इस क्लास में मैं जहाँ तक देखा ज़्यादा लोग बिहार से, महाराष्ट्र से और यूपी से, यही लोग हैं. तो आप क्या लग रहा है कि कितना काम कर सकते हो? जी पूरा कर सकते हैं. जब हमने आया था ना इंस्टीट्यूट में, तो यूट्यूब से वीडियो देख के आया था, तो हमको लगा कि शायद कि इंस्टीट्यूट में ठग भी लें, लेकिन हमको मैम ने सर के पास बैठाया और सर एक ही बात बोले कि यहाँ पे जितना सारा सेक्शन कराया जाएगा एस्मेटिक के थ्रू कराया जाएगा. हमको वहीं से अच्छा लगा, उसी वक्त हमने एडमिशन करा लिया. लेकिन क्या उस समय आपको पता था कि एस्मेटिक होता क्या है? नहीं, मामा जी का खुद का शॉप है, वो सिर्फ बोले थे कि एस्मेटिक जहाँ पे पढ़ाई होगा वहाँ पे पढ़ना. एस्मेटिक तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, आपने यहाँ पे ही क्यों डिसाइड? लेकिन दो यूट्यूब पे देखे थे ना, 2-3 इंस्टीट्यूट का देखे थे, वहाँ पे उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सर का और राजकुमार सर का वीडियो देखा हमने यूट्यूब पे, वहाँ से डायरेक्ट यहीं पे आए और दिल्ली में एक और इंस्टीट्यूट में गए थे, वहाँ पे जमा नहीं, यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्लास चल रही थी, उस समय मैंने बैठा था इसमें. और उसके बाद एडमिशन के बाद कंपोनेंट की जानकारी हमको बिल्कुल नहीं था, पता भी नहीं था कि मदरबोर्ड क्या होता है, उस पर किस किस तरह के कंपोनेंट लगा होता है बिल्कुल पता नहीं था. फिर आगे सर विवेक सर ने हमको कंपोनेंट का क्लास दिए, उसके बाद राजन सर डेस्कटॉप का क्लास दिए. डेस्कटॉप में जब ऑनबोर्ड चला ना, तब पता चला कि हाँ कि हम कुछ सीख रहे हैं. पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब डेस्कटॉप का बोर्ड में ऑनबोर्ड पूरा वोल्टेज चेक कर लिए, तब लगा कि हाँ कि हमने सही जगह एडमिशन लिया. तो आपका लैपटॉप भी खत्म हो गया, तो अब तो अब पूरा लग गया होगा कि हमने सीख लिया. अब तो बिल्कुल सर, आपको ये लगा होगा कि सही जगह पे आए हैं. मतलब एक डर था ना मन में कि ठग लेंगे लोग, और दिल्ली में होता है ऐसा. हम किसी का नाम नहीं लेते हैं और ना ही स्टूडेंट से कहते हैं कि आप लोग किसी का नाम लो. दिल्ली में होता है ऐसे जगह कि पैसे लेके ठग लिया जाता है, लेकिन वो काम हम नहीं करते. इसीलिए पहले ही बोलते हैं कि पहले फुल प्रूफ ले लो आप,
आप फुल प्रूफ ले लो, आप हमसे एडमिशन से पहले सारा स्टूडेंट से सर्टिफिकेट, क्योंकि और ऐसा भी होगा, देखिए जो हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपने 1.5 साल पहले 1 साल पहले सीखा होगा, तो हो सकता है इससे हमने कम सिखाया हो, क्योंकि हम दिन पर दिन अपडेट अपने आप को करते हैं, तो हो सकता है कि उस समय कुछ चीज़ें ऐसी नहीं कराई गई हो जो हमें कराना चाहिए था, तो उसके लिए हमारे तरफ से ये है कि आप उस अपडेट को आके हमसे ले सकते हो, उसका कोई ऐसा नहीं कि हम उसका 1 से 2 दिन का हम अपडेट आपको दे सकते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि होता है कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में होता होगा कि यार मेरे टाइम तो ये चीज़ नहीं हुई थी जो ये कह रहे हैं, तो आप आके वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी मैं कह रहा हूँ हो सकता है 1 साल बाद कुछ और अपडेट आ जाए तो अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसलिए मल्टीटेक का ऐप भी है, उस पर भी आप रजिस्टर्ड हो जाना, उस पर भी हम कुछ कुछ अपडेट डालते रहेंगे वहाँ से भी। तो आप बिहार के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो भी आते हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएँ ही नहीं, यहाँ पर आए, अगर उनको सर्टिफाइड नहीं है तो वह सर से डेमो क्लास ले लें, वो भी तो फ्रेशर होगा तो डेमो क्लास में तो उतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं कि कंपोनेंट होता क्या है। एक लड़का मेरे रूम के बगल में ही है, वो भी कल परसों में मोबाइल का एडमिशन कराया है, तो हमसे पूछ रहा था कि भाई कितनों ने बोला कि इंस्टीट्यूट खराब है, मैंने बोला भाई तुम नए हो तुम्हें पता है कि मोस्फेट क्या होता है, उसने बोला नहीं, हम बोले कि 2-3 दिन में तुम्हें क्या समझ में आएगा, क्लास करते जाओ, आगे पूरा कंपोनेंट का जब क्लास हो जाएगा फिर समझ में आएगा। हम तो लैपटॉप के बैच में जब आए थे ना, तो फर्स्ट दिन आने से पहले बहुत लोगों ने कहा कि सर तो बहुत एडवांस लेवल में सिखाते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जिस दिन फर्स्ट डे आया ना तो उस दिन भी डर लगा। सर ने पहले तो कंपोनेंट का टेस्ट लिया, हम लोगों का विक्रम सर लिए थे, और उनके बाद दूसरे क्लास में जब एस्मेटिक बोर्ड पे बना, उस तीसरे क्लास में जब उसका टेस्टिंग हुआ, उसके बाद चौथे क्लास में जब स्टेप डाउन हुआ, तो धीरे 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 स्टेप बाई स्टेप जब आगे बढ़ते गए ना, तो सर हमको तो लगा कि बिल्कुल पूरा तरीके से सीखते जा रहे हैं आगे, बिल्कुल एक भी रजिस्टर कैपेसिटर मॉसफेट सब कुछ टेस्टिंग करना लाइन बाय लाइन, कहाँ पे फॉल्ट है वो ऑन बोर्ड में क्लियर होते चला गया। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आए तो विक्रम सर से एक बार जरूर मिले, मतलब मिले एक क्लास ले समझे उनको सर। लगे अगर एक क्लास से नहीं आपको समझ में आ रहा है तो दूसरी क्लास भी ले लें, जब लगे कि हाँ सही कराया जा रहा है तभी एडमिशन। हम लॉकडाउन के पहले आए थे इंस्टीट्यूट में तो ये मशीन नहीं था, लेकिन लॉकडाउन से पहले भी था ये मशीन, हम आए थे तो उस समय नहीं देखे थे, लैब में नहीं होगा कि मशीन तो ये 5-7 साल से है, इस लैब में नहीं था, फिर लॉकडाउन के बाद हमने आया तो ये मशीन देखा और इस पे वोल्टेज चेक करके सर ने हमको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरह सेट करना है मशीन को, किस तरह वोल्टेज चेक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कुछ सीखा यहाँ से मल्टीटेक से। आप सर कहाँ से हैं? सर मैं नोएडा से हूँ। सर मैं मनीष प्रकाश, मुझे कंपोनेंट वगैरह के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कंपोनेंट बेसिक नॉलेज फिर मदरबोर्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप का मतलब प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं ना, सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? तो ये हमारा जो क्लास था लैपटॉप रिपेयरिंग का, लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग का क्लास था, जो कि आज कंप्लीट हो चुका, और हम अपने स्टूडेंट से जाने कि किस तरीके का सफ़र रहा इनका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ रिव्यूज़ के साथ फीडबैक के साथ आऊँगा कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं, प्लस कुछ नॉलेज का वीडियो भी लेके आऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।